कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में 80,000 किलोमीटर पदयात्रा कर चुके संत कमल मुनि कमलेश ने ऐरोली पहुंचकर आयोजित एक पत्रकार परिषद में गौचर भूमि और गौ सेवा सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान खींचा। इस दौरान संत कमल मुनि कमलेश ने कहा कि हजारों एकड़ गौचर भूमि पर आज भू माफियाओं का कब्जा है और सरकार मात्र इस दिशा में मुख दर्शक की भूमिका अख्तियार कर रही है। उन्होंने इस संदर्भ में ठोस कानून बनाए जाने की मांग की। इस दौरान समाज सेवक दिनेश पारक और तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। देखिए, हिंदुस्तान में 30 लाख आश्रम, एक एक आश्रम 100-100 गाय बांधे, जब एसी गाड़ी आश्रम में रह सकती है, 5 स्टार जैसा आश्रम हो सकता है, तो 50 गाय क्यों नहीं रख सकते। यदि हर मंदिर 50-50 गाय रख ले तो दावे के साथ कि तुम एक भी गाय कचरे को नहीं जाएगी, रोड पे नजर नहीं आएगी, और हमारे एक मार्बल के मंदिर की मूर्ति पे करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, चाहे नंदी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे महावीर का। जब मार्बल की गाय के ऊपर करोड़ खर्च करते हैं तो जीवंत गाय के क्यों नहीं। यदि आधा पैसा भी धर्म का गो माता की सेवा में लगा दे और शादी से पर मनाए तो कोई बड़ी बात नहीं, हर चीज संभव है। अब दीपावली आती, अरबों रुपए के पटाखे चलाते, यानी 20% पैसा भी गौ माता की सेवा में लगा दे, वो 10 रुपए की 100 रुपए की दारू की बोतल पी सकता है, और फिर 100 रुपए गौ माता को, यानी लोगों को जगाना पड़ेगा, झिझोना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी और कर्तव्य का बोध कराना पड़ेगा। अभी हमने देश के 70 सेंट्रल जेलों में गौशाला चालू की और राजस्थान सरकार 1,000 गौशालाएं बना रही है हर ग्राम पंचायत के अंदर। पहले कोंडवरा थे, आपको मालूम है छोटे छोटे गांव है, तो हम तो सरकार को कहते पुरानी चीजों को जीवित करते। क्या कर, जब मछली मंत्रालय बन सकता है तो गो मंत्रालय क्यों, जब मछली को सब्सिडी दे सकते, मुर्गे को दे सकते, कोमड़े को, या तो सरकार गाय को माता कहना बंद करे, देश के नाम पे वोट लिए सरकार बनाई सत्ता में आए, यानी जनता मौन है लेकिन खामोश है। उसने चुनाव में क्या कर दिया, हमारे करोड़ों गो भक्तों के अंदर आक्रोश है, कभी बार सरकार ने गाय के लिए ईमानदार से काम नहीं किया, तो हमें जीतने की ताकत तो नहीं, हराने की ताकत हमारे में। एक बोर्ड से सरकार क्या करती है, और एक बोर्ड से, यानी अंतिम हथियार जो है लोकतंत्र के अंदर, अब जनता और संत खामोश नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क।